अपने YouTube चैनल जीके रंगे में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हिंदी का चैप्टर है जिसमें 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जो आ चुके हैं पिछले एग्जामों में, वही क्वेश्चन मैं आप उठा के आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, जो शब्द नीचे दिए गए शब्दों का पर्याय नहीं है उस शब्द को चुनिए, जो राजा शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको चुनना है आपको। ऑप्शन ए अक्षपाकर, ऑप्शन बी नर्प, ऑप्शन सी नरेश, ऑप्शन डी भूपति। जो भी आपका करेक्ट आंसर बनता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, शायद हो सकता है मैं गलत आंसर भी बता दूं आपको। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर बनता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मुझे बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अक्षपाकर, बाकी ऑप्शन बी सी और डी, ये तीनों ऑप्शन है ये राजा शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी ऑप्शन ए राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है उसे चुनिए, जो पहाड़ शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको चुनना है। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में अपन ने छटनी की थी उसी प्रकार इस क्वेश्चन में करना है। तो इसमें ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी भूधर, ऑप्शन सी भूप, ऑप्शन डी गिरी। पहाड़ शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है, उसको छटनी करनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भूप, भूप शब्द है जो कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन है वो पहाड़ शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसी प्रकार तीसरा है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसकी छटनी कीजिए। ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी दिनेश, ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लोकोक्ति है उसका जो भी अर्थ बनता है इन चार ऑप्शनों में से, वो कमेंट बॉक्स में आप बी सी डी जो भी आपका आंसर बनता है वो टाइप कीजिए आप। लोकोक्ति ये है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इस लोकोक्ति का जो भी अर्थ बनता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें यह लिखा है कि होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो भी करेक्ट आंसर बनता है वो कमेंट बॉक्स में आपको तो टाइप करना है, मैं तो बताऊंगा आपको। जो भी शुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, ऑप्शन ए कंप्लीट हो गया। ऑप्शन बी जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, ऑप्शन सी मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था, ऑप्शन डी मेरी कविता मुद्रित नहीं हो रही है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। अब कैसे है ये मैं अब आपको बता देता हूं। यहां पे पहला ऑप्शन देखिए, भारी और भरकम ये दो शब्द हैं, पहला और ये दूसरा, यहाँ पे इनमें से एक ही शब्द आएगा, वहां भारी भीड़ जमा थी, चाहे ये ले लीजिए भरकम को छोड़ देंगे तो। हाँ अगर अपन भारी शब्द को छोड़ते हैं, वहां भरकम भीड़ जमा थी तो चलेगा, यानी भारी और भरकम है इनमें से एक शब्द को आपको लेना है। भारी का मतलब होता है और भरकम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन सी उसको देखिए, मुझे इस का मतलब होता है वर्तमान समय में, ठीक है। और लास्ट में लिखा है नहीं मिला था, नहीं मिला था यानी कि भविष्य जो भूतकाल बीत चुका है, नहीं मिला था ये तो वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों शब्द मैच नहीं कर रहे, नहीं मिला था ये तो भूतकाल का हो चुका है, और ये जो बात कर रहा है ये वर्तमान की, और मेरी कविता मुद्रित हो रही है, जो हो रही शब्द है ये भविष्य का है, हो रही है आगे हो रही है अभी हुई नहीं है, और जो ये बी ऑप्शन है यहाँ पे जो वर्तमान की बात कर रहा है अभी, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, गलत जो युग्म है उसका चयन करना है अपने को। ऑप्शन ए साकेत मैथिलीगुप्त शरण, ठीक है। उसके बाद में है ऑप्शन बी कामायनी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रंगभूमि महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी गोदान प्रेमचंद मुंशी। यहाँ पे जो
पहली चीज लिखी हुई है यहाँ पे, जो पहली चीजें हैं ये पुस्तकें हैं, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं ये हैं उनके राइटर। इनमें से ये सर्च नहीं करना कि कौन से राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, किस राइटर ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, ठीक है। इसमें इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रंगभूमि जो पुस्तक है उसको महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा, बाकी साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, गोदान प्रेमचंद मुंशी ने लिखी है, बाकी जो रंगभूमि पुस्तक है उसने उसको महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मतदान शब्द है वो शुद्ध रूप से कौन से समास का भाग है। मतदान शब्द शुद्ध रूप से कौन से समास का भाग है। ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए परेशानी होना, ऑप्शन बी झगड़ा होना, ऑप्शन सी ध्यान न देना, ऑप्शन डी अनसुनी कर देना। तो इसका आंसर है झगड़ा होना। कहा सुनी का मतलब होता है कि किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, ठीक है, कहा सुनी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे खालिस्तान है, यहाँ पे खालिस्तान है, इस स्थान को आपको भरना है, यहाँ पे कौन सा शब्द सेट होगा वो ही शब्द। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वाक्य है उसको पूरा करना है, मैया मोह बहुत खिजाए, मैया मोही बहुत खिजाए। तो यहाँ पे कौन खिजा रहा है किसको, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दाऊ, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए। दाऊ कौन है, जो श्री कृष्ण है उनके बड़े भाई है दाऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए अड़चने, ऑप्शन बी अपेक्षा, ऑप्शन सी अपवाह, ऑप्शन डी आचरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आचरण शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी जो अड़चने अपेक्षा अफवाह ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं। पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टुकड़ी, ऑप्शन बी आगार, ऑप्शन सी संग्रह, ऑप्शन डी श्रृंखला। इसका आंसर है ऑप्शन डी पहाड़ों के समूह को श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक वाक्य है उसका अर्थ आपको बताना है, जिसे बुलाया न गया हो। यहाँ पे एक वाक्य है उसका अर्थ आपको बताना है कि जिसे बुलाया न गया हो। कोई भी आदमी है आपके घर पे आता है या और कहीं पे भी आता है, जिसे अपन कोई भी इनवाइट नहीं करता है फिर भी वो आ जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे। तो इसका आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, यानी कि अपने आप ही आमंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगामी शब्द है उसका सही अर्थ क्या है। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो, ऑप्शन बी जिस पर अनुग्रह किया गया हो, ऑप्शन सी जो किसी के प्रति आसक्त हो, ऑप्शन डी किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, यानी कि अपना काम दूसरों के सहारे करना, यानी खुद नहीं करना, अनुगामी किसी के पीछे 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 चलते चलते अपना काम निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। यहाँ पे एक डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को सेट करना है, यहाँ पे पहला शब्द कौन सा आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को सेट करना है, तो पहला शब्द कौन सा आएगा।
तो यहां पे आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी आंचल, ऑप्शन डी आंसू। तो इसका आंसर है आशा, आशा शब्द है जो कि तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नस, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी निस। यहाँ पे हलन्त है, ये आधा से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी निस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी क ए है, ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी रिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इक शब्द है जो कि पैतृक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कौन सा पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद सही है? हिंदी के अंदर पदोन्नति शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए पद प्लस औन्नति, ऑप्शन बी पद प्लस अवन्नति, ऑप्शन सी पदो प्लस उन्नति, ऑप्शन डी पद प्लस उन्नति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पद प्लस उन्नति शब्द है जो कि पदोन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद है हिंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां अनेक वर्षों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है, वहां कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी छेदानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन सी, छेदानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। जहां अनेक वर्षों की आवृत्ति केवल एक बार होती हो वहां छेदानुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान है, इस भाग को पूरा करना है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा इन चार ऑप्शनों में से वो आपको करेक्ट है यहाँ पे सेट करना है। क्वेश्चन ये है, शालीनता बिना मोल मिलती है, शालीनता बिना मोल मिलती है, खालिस्तान उससे तब उससे सॉरी यहां पे उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। यहां पे जो भी आंसर बनता है वहां पे सेट करके मुझे बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परंतु शब्द है वो यहां पे सेट होगा। शालीनता बिना मोल मिलती है परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत है, साकेत एक कविता है, उसके रचनाकार कौन है? साकेत एक कविता है, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वहाँ पे चार ऑप्शन थे, मतलब कि चार ऑप्शनों के आगे यहाँ पे शुद्ध छटनी करना था, वहाँ पे यहाँ पे केवल कविता दी गई है, उसका लेखक पूछा है कि कौन है इसका राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए, बेमेल शब्द है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी दिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिशा। वो कैसे, देखिए अब रात्रि रजनी और निशा ये चारों शब्द रात के पर्यायवाची हैं, रात के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी जो दिशा है ये एक पर्टिकुलर इंकित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपात्र का विलोम शब्द है, सुपात्र शब्द का विलोम शब्द है,
ऑप्शन ए नालायक, ऑप्शन बी अपात्र, ऑप्शन सी कुपात्र, ऑप्शन डी कपूत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुपात्र, सुपात्र का विलोम है कुपात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य शब्द का विलोम है, कर्तव्य शब्द का विलोम है ऑप्शन ए कीर्तिवान, ऑप्शन बी अकर्तज्ञ, ऑप्शन सी कर्तघ्न, ऑप्शन डी कर्तघ्न शून्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्तघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं और अपना उत्तर उत्तर पत्रक में लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से जो भी शुद्ध शब्द है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने ITBP में से उठाया है, ITBP में पूछा गया था पिछली बार, तो मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूँ, शायद आपको कुछ बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे जो भी शुद्ध शब्द बनता है उसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मुझे बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कवियत्री, कवियत्री शब्द है ये शुद्ध शब्द है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बच गए, ये तीनों ऑप्शन है नीचे वाले, ये तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, ये थे आपके 25 क्वेश्चन।